हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। एकता कपूर के साथ टीवी का बड़े से बड़ा स्टार काम करना चाहता है। एकता के साथ काम करके कई लोग रातों रात स्टार बन गए हैं क्योंकि उन्हें टीवी की क्वीन कहा जाता है। लेकिन उसी क्वीन के ऑफर को कोई मना करे, ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स में से एक रह चुकी निमृत कौर ने ऐसा कर दिया है। उन्होंने एकता कपूर के एक बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल हुआ यूं कि एकता कपूर लॉकअप सीजन 2 कंटेस्टेंट्स की तलाश कर रही हैं। उन्होंने बिग बॉस 16 के कई कंटेस्टेंट्स को शो के लिए अप्रोच किया। अर्चना गौतम से लेकर प्रियंका चाहर चौधरी तक का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा था कि एकता ने शो के लिए निमृत कौर अहलूवालिया को भी कास्ट किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमृत कौर एक के बाद एक रियलिटी शोज का हिस्सा नहीं रहना चाहती। हाल ही में वो बिग बॉस में दिखी और तुरंत वो किसी और रियलिटी शो में नहीं आना चाहती हैं। इसी वजह से उन्होंने एकता कपूर के ऑफर को ठुकरा दिया। भले ही निमृत ने एकता कपूर के रियलिटी शो को मना कर दिया हो, लेकिन वो उनकी फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 में दिखाई देंगी। बिग बॉस 16 के एक एपिसोड में एकता कपूर अपने डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी ने सभी स्टार्स का ऑडिशन लिया था। उस वक्त उन्हें निमृत की एक्टिंग अच्छी लगी और उन्हें एक्ट्रेस को फिल्म के लिए तुरंत कास्ट कर लिया। निमृत कौर अहलूवालिया छोटी पर्दी की जाने मानी एक्ट्रेस में से एक है। उन्हें छोटी सरदारनी के लिए जाना जाता है। एक्ट्रेस ने लंबे समय तक बतौर छोटी सरदारनी बनकर घर घर में पहचान हासिल की। बिग बॉस 16 में भी उनकी जर्नी काफी मजेदार रही। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि निमृत अब कौन से शो में नजर आती हैं। वैसे आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।